Well, a lot of us welcome to another episode of Bollywood This Week. Welcome to Amar Ansari, aap Subhi Loka, Akshay Kumar and Tiger Shroff ki film Bade Mia Chode Mia ke day number 3 ke box office collection episode mein tahe dil se hardik swagat karta hoon. क्या हो रहा है मेरा भाई? So guys, आज के एपिसोड में हम पहले जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली बड़े मियाँ छोटे मियाँ के ये जो वर्ल्ड वाइड पोस्टर्स आ रहे हैं वो एग्जैक्टली उसमें क्या है, कितने एग्जैक्टली कलेक्शन हुए हैं, क्योंकि जो मन कर रहे हैं वो लोग पोस्टर रिलीज कर रहे हैं. तो पहले हम उसको यहाँ पर डाइसेक्ट करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि कल फ्राइडे से क्या आज कलेक्शन में जो है वो बढ़ोतरी देखने मिली है नहीं मिली. अब गाइस इसमें कोई रॉकेट साइंस लगता नहीं है कि फ्राइडे के बाद सैटरडे को हर पिक्चर का कलेक्शन बढ़ता है, बड़ी सी बड़ी हो छोटी सी छोटी हो, तो कलेक्शन तो बढ़ने ही थे. लेकिन इसके कैसे बढ़ने थे कि इसको 30 करोड़ आज कमाना था, वहां तक तो ये फिल्म जाते हुए नहीं दिखाई दे रही. इसी नोट पे आज का एपिसोड शुरू करते हैं. ओवरसीज का फंडा कुछ इस तरह से है कि मेकर्स ने यहाँ पर तो पोस्टर्स दिए है, ट्रेड ने यहाँ पर डे नंबर 1 यानी कि पेड प्रीव्यूज का जो कलेक्शन है वो $6 लाख का दिया है. डे नंबर 2 उसका कलेक्शन है $9,50,000 यानी कि इसी के साथ इस फिल्म ने 1.5 मिलियन पेड प्रीव्यू एंड डे नंबर 1 जो है उसका मिलाकर कमाया है, यानी कि 12.55 करोड़ इसने कमा लिए थे. डे नंबर 1 16.07 करोड़ का नेट था, उसका ग्रॉस होता है 19.27. तो पहले दिन इस फिल्म ने 31.77 करोड़ जो डेफिनेटली कमाया है, डन है, इतना पक्का कमाया है. एंड मेकर्स ने पोस्टर दिया था 36.33 करोड़ का, यानी कि मेकर्स ने इसमें भी कलेक्शन ऐड करके दिया है. आज जो मेकर्स ने पोस्टर दिया है वो है 55.14 करोड़ का, यानी कि डे नंबर 2 अकॉर्डिंग टू द प्रोड्यूसर्स बड़े में छोटे में यानी 18.81 करोड़ जो है वर्ल्ड वाइड कमाया है. तो जानने की कोशिश करते हैं कि आज वाकई में क्या डे नंबर 2 जो कल का दिन था वहां पर बड़े में छोटे में इतने पैसे कमाए या नहीं कमाए. तो डे नंबर 2 प्रोड्यूसर्स ने कलेक्शन दिए नहीं है, दोनों प्रोड्यूसर ने, मैदान ने भी नहीं दिए है एंड बड़े में छोटे में भी नहीं दिए है. मैदान वालों ने तो कुछ भी नहीं दिया है पोस्टर, बड़े मियाँ छोटे मियाँ वालों ने यहाँ पर वर्ल्ड वाइड दिया है, इंडिया का नेट कलेक्शन नहीं दिया है. ट्रेड ने 7.5 करोड़ रिपोर्ट किया है, हमारा प्रेडिक्शन था 7.25, ट्रेड इज कॉन्फिडेंट के 7.5 तो कमाया है. एंड गाइस इसी के साथ प्रोड्यूसर कम से कम 8 तो देगा ही, तो 7.50 करोड़ का नेट होता है 8.90. ओवरसीज फिल्म ने कमाया 5.23 यानी कि अपने दूसरे दिन इसने विश्व भर में 14.13 करोड़ डेफिनेटली कमाया है. तो अकॉर्डिंग टू अस 31.77 करोड़ डे नंबर 1, 14.13 डे नंबर 2, दो दिनों में बड़े में छोटे में ने 45.90 46 पकड़ लो 46 करोड़ से ज्यादा नहीं कमाया है. मेकर्स ने 55.14 करोड़ दिया, यानी कि मेकर्स ने यहाँ पर नई नई करते करते 8-9 करोड़ जो है वो ज्यादा रिपोर्ट किए. देखिए गाइस जो सच्चाई है वो सच्चाई है, सभी लोगों को पता है बॉक्स ऑफिस को लेके मैं कितना सीरियस हूँ. कोई भी ऐसी फिल्म नहीं है जो ऊपर नीचे किया हो मैंने उसको जाने दिया हो, तो ये भी कोई इसमें फॉर्मेलिटी नहीं रखूंगा मैं, जो है वो आपको रिपोर्ट करूंगा आके. अब गाइस बात करते हैं डे नंबर 2 का कलेक्शन जो है डे नंबर 1 का इंडिया का कलेक्शन से ऐड करें तो कितना होता है. डे नंबर 1 16.07 करोड़, डे नंबर 2 7.50. इस फिल्म ने दो दिनों में 23.57 यानी कि 23.57 करोड़ का नेट कलेक्शन जो है किया है. इसी नोट पे डे नंबर 3 का एपिसोड शुरू करते हैं, जानने की कोशिश करें कि गाड़ी कहां तक पहुंची है. एडवांस बुकिंग सिर्फ 1.90 करोड़ का था, तो मैंने सुबह ही कहा था कि द फिल्म नीड्स टू अर्न एटलीस्ट 9 करोड़, 10 करोड़ तो जाना ही चाहिए लेकिन वहां तक तो शायद ही जाएगी पिक्चर. मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 9, आफ्टरनून 18, इवनिंग 20. सबसे बड़ी बात है बड़े में छोटे में 1+1 को ऑफर नहीं दे रहा है, मैदान ने तो घुटने टेक ही दिए है, 1+1 को ऑफर दे रहा है गाइस यहाँ पर. एंड इसने विदाउट 1+1 ये सब चीजें किए है. बात करूँ गाइस 7 बजे तक की तो इसने ऑलमोस्ट 6 करोड़ की जो है कमाई कर ली है. अब गाइस सबसे बड़ा यहाँ पर अच्छी बात यह है कि एग्जीबिटर्स ने शोज जो है कम कर दिए थे, दोनों मैदान है बड़े में छोटे मियाँ के, बट बड़े में छोटे मियाँ के मिराक्यूलसली शोज बढ़ा दिए गए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे. मुंबई यहाँ पर ऑलमोस्ट 4:32 से सुबह 3:38 हुआ एंड अभी 4:91 है, यानी कि मैसिव शोज जो है बढ़ा दिए गए हैं. एग्जीबिटर्स को पता है सैटरडे संडे बस 2 ही दिन बचे हैं जहां पर हम लोग कुछ कर सकते हैं इन फिल्मों को लेकर, भले 100 में से 7-8 सीट भर रही है लेकिन वी हैव टू टेक अ चांस. बात करो ऑक्यूपेंसी की, मुंबई 26%, दिल्ली एनसीआर यहाँ पर 514 से 542 27% ऑक्यूपेंसी है. पुणे मॉर्निंग 138 था 192 हो गया है 22% ऑक्यूपेंसी. नंबर बेंगलुरु 158 शोज में 11% है. हैदराबाद मॉर्निंग 34 था अभी 40 शोज है 13%. कोलकाता 127 था मॉर्निंग तक 81 था 133 हो गया है 22% ऑक्यूपेंसी. लुक एट अहमदाबाद शोज हैव बीन इंक्रीज मैसिवली
310 से 394 कर दिया शोज, ऑक्यूपेंसी 15, यानी कि आज ये भी फिल्म चल रही है, आज हर फिल्म चलेगी, सैटरडे संडे हर फिल्म चलती है, तो बड़े में छोटे में भी चल रही है गाइस। यहाँ पर काफी अच्छा साइन है, चेन्नई 30 शोज में 22% की ऑक्यूपेंसी, सूरत 218 शोज थे 224 शोज हुआ 12% की ऑक्यूपेंसी है। 3D की बात करो, मुंबई में 230 से 281 शोज कर दिए हैं 16%, एंड दिल्ली NCR 405 से 404 कर दिया है एंड ऑक्यूपेंसी 26। तो माय प्रेडिक्शन फॉर बड़े मियां छोटे मियां ऑन डे नंबर 3 इज 8.5 से 9 करोड़। मुझे लगता है कि ये फिल्म कहीं ना कहीं 8.5 से 9 करोड़ डेफिनेटली कमाएगी। आई एम बी ऑन द लोअर साइड, क्योंकि लेट्स सी गाइस क्या होता है, रात का कोई भरोसा नहीं है, अगर बड़ा तो वेरी गुड, सुबह डिस्कस करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि फिल्म 8.5 करोड़ कमाएगी, यानी कल से लेकर आज तक 1 करोड़ का बढ़ोतरी जो है देखने मिला है, एंड अगर ऐसा हुआ तो ये फिल्म 3 दिनों में 32.07 करोड़ नेट कलेक्शन कमा लेगी, एंड संडे को कैसे भी 10 करोड़ कमाना है तो 4 दिनों में फिल्म 42.07 करोड़ कमाएगी। 100 करोड़ कमा तो थोड़ा इज्जत बचा लेना, वरना वैसे ही फिल्म डिजास्टर हो चुकी है और इसे बचाने का कोई उपाय बचा है नहीं गाइस। यहाँ पर लेट्स सी गाइस कल प्रोड्यूसर्स जो है वर्ल्ड वाइड कितने का पोस्टर रिलीज करते हो, तो देख देख के टेंशन हो रहा है। तो आई थिंक प्रोड्यूसर्स जो है 73-74 करोड़ का पोस्टर कल रिलीज करने के फुल मूड में लग रहे हैं, और जाके वाकई में कलेक्शन हो रहा है, वो लोग 2-3 करोड़ डेली बढ़ा रहे हैं, अब तक उन्होंने 9 करोड़ जो है बढ़ा के दे दिए। ओके गाइस, सो मच के एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा, एपिसोड पसंद आया प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं अमर अंसारी साइनिंग ऑफ, यू विल सी मी वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।